Welcome all to Manvik Public School. Please subscribe to our channel and turn the bell icon on for latest updates. Hello everyone. Today again we are starting a new subject, that is Know Your Aptitude, Class 5 of Goyal Brothers Prakashan. In this video, I will also mention all the links of all the books, means the books from which I am teaching. I will give you the link to buy them online. Okay, so you can buy the books online if you wish to. Okay, and as you know, I always click the photographs of this chapter and give the link in the description box. Okay, and please subscribe to our channel, like this video, share it to your friends, and let's now start the video. First of all, I will introduce you to what is aptitude. Aptitude is an innate or acquired or learned or developed component of competency to do certain kind of work at certain level. Like, aptitude is kind of math that increases your knowledge of mind. It helps you in the brain IQ level. Okay, so this is contents. Okay, so first of all, it is contents, okay, of aptitude. There are total 22 chapters in aptitude, okay, and 11 will come in one term and 11 will come in one term. Okay, so this is semester 1. As I tell you, first of all, semester 1 till September, October mid, and then semester 2. So 11 chapters till semester 1, till September, till semester 1, and rest chapters till semester rest chapters in semester 2. So they were the book is divided into four contents. Okay, so first part is part A, verbal aptitude. Verbal aptitude matlab verbal aptitude chapters that come in verbal aptitude are analogy, series, classification, alphabet test, ranking, code messages, sequencing, and puzzle time. Matlab verbal aptitude matlab होती है बात करने वाली एप्टीट्यूड, जब चलते चलते भी कर दो तो वो ये एप्टीट्यूड काफ़ी इजी होती है. ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट बी, नॉन वर्बल एप्टीट्यूड. एनालॉगी, पैटर्न्स, क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर्स, कंप्लीटिंग फिगर्स, मिरर इमेजेस, लाइन एंड पॉइंट, शेडिंग पॉइंट पार्ट ऑफ फिगर्स, क्यूब्स एंड क्यूबर्ड डिजाइन. मतलब ये आप जो है वर्बली नहीं कर सकते, आपको किसी पेज पे लिखा होना चाहिए सर ये चैप्टर्स में. ठीक है, अब जो है मैं आपको बता दूं कि मैं जो है इस चैप्टर की भी, मतलब इन पेजेस की भी, कि एप्टीट्यूड क्या होता है और कंटेंट्स की भी फोटो जो है उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा. ठीक है, अब जो है ये है पार्ट बी नॉन. ठीक है, पार्ट बी मैंने आपको बता दिया. फिर पार्ट सी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ये मैथ्स की तरह है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांटिटी बताने वाली मैथ्स की तरह है. ठीक है, इसमें जो है वो चार चैप्टर आते हैं, एजेस, एजेस मतलब किसी की एज निकालना, नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और फ्रैक्शंस. ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट है पार्ट डी, एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो 10 एप्टीट्यूड टेस्ट है पूरी बुक के, और फिर लास्ट में सारे आंसर्स है. ठीक है, आंसर्स की फोटो मैं आपको नहीं भेजूंगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में आंसर्स दिखाई रहा हूँ. ठीक है, अब हम पहला चैप्टर करेंगे आज, जिसका नाम है एनालॉगी. एनालॉगी क्या है, ऑब्जेक्ट्स की पढ़ेंगे हम पहले. एनालॉगी क्या होता है, एनालॉगी मीन्स अ डिग्री ऑफ सिमिलरिटी दैट इज हैविंग सिमिलर फीचर्स. हियर वी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई द सेम रिलेशनशिप टू फाइंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड. मतलब एनालॉजी का क्या, एनालॉजी एक डिग्री है जो सिमिलैरिटी है, जो सिमिलर फीचर्स है, जिसमें एक सिमिलैरिटी जिसमें सिमिलर फीचर्स है, और हमें यहाँ पे हमें उसका एक दो गिवन ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशनशिप बताया है, और हम उसके हिसाब से एक क्वेश्चन जो हमें पूछा हुआ है हम उसको आंसर करेंगे. ठीक है,
इस रिलेशनशिप पे बेस्ड में, ठीक है। अब ये एक्सरसाइजेज सारी मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। मैंने टिक मार रखा है सब में, ओके। पहला है जैसे कि फर्स्ट है फुट शो हैंड ग्लव, मतलब फुट जो है, फुट में हम शू पहनते हैं और हैंड में शर्ट वेस्ट ग्लव या बेल्ट ग्लव, ठीक है। फिर है सेकेंड ब्रिक क्यूबॉइड शटल कॉक कोन, मतलब जो है ब्रिक जो है, जो एक ब्रिक होती है वो क्यूबॉइड शेप की होती है। एक शटल कॉक कौन से शेप का होगा, क्यूब स्फेयर सिलेंडर या कोन, कोन, ठीक है। फिर है लायनेस लायन विच डॉग, ये लायन की मदर लायनेस होती है और डॉग की मदर विच होती है, ठीक है। फोर्थ है कैंडी स्वीट वेफर्स सॉल्टी, जो कैंडी है वो स्वीट होती है और वेफर्स जो है, आप बोलोगे वेफर्स स्वीट होते हैं, लेकिन ये देखो ना सोर हो सकते हैं, ठीक है, ना पोटैटो हो सकते हैं, ना टेस्टलेस हो सकते हैं, तो एक बता सॉल्टी, सॉल्टी वेफर्स भी आते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ है लॉरी रोड फेरी वाटर, ठीक है। लॉरी वो होती है जो एक रोड पे चलती है और फेरी एक छोटी सी बोट टाइप होती है जो वाटर में चलती है, तो लॉरी रोड फेरी वाटर। सिक्स्थ है हैंगर ट्राइंगल बैंगल सर्कल, मतलब जो हैंगर है, हैंगर क्या होता है जिस पर कपड़ा टांगते हैं, वो ट्राइंगल होता है, ठीक है। हैंगर जो है वो ट्राइंगल होता है और बैंगल चूड़िया जो है वो सर्कल होती है। फिर सेवन्थ है एग हैन सीड ट्री, मतलब जो हैन है वो एग देती है और ट्री सीड देती है। एट है टिक टाइगर जंगल एलिगेटर, मतलब टाइगर जंगल जो है, टाइगर जो है वो जंगल में रहता है। एलिगेटर एयर वाटर माउंटेन स्नो वाटर, ठीक है। फिर है नाइन्थ पेशेंट डॉक्टर स्टूडेंट टीचर, मतलब पेशेंट को जैसे डॉक्टर को पेशेंट देखता है, सॉरी पेशेंट को डॉक्टर देखता है वैसे ही स्टूडेंट को टीचर देखती है। फिर डॉग जो है वो बार्क करता है, मतलब डॉग जो है बार्क करता है और गोट ब्लीट करती है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है इलेवेंथ, अब जो है इलेवेंथ नहीं है, अब है वन जो है एनालॉगी लेटर्स। अभी हमने एनालॉगी ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट की एनालॉगी, अब हम एनालॉगी लेटर्स कर रहे हैं। अब एनालॉगी लेटर्स क्या हुआ कि एनालॉगी लेटर्स हुआ, मतलब एनालॉगी सब्जेक्ट में जैसे हमने किया कि ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि डॉग, ये सब ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट्स में एनालॉगी क्या हुई, मतलब जैसे कि ऑब्जेक्ट्स में एनालॉगी क्या हुई और इसमें लेटर्स मतलब ए बी सी डी इनमें एनालॉगी क्या होगी, इसमें हम ये करेंगे। अब वन में क्या है, वन में है देखो जैसे कि A D B E B S E, मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो जैसे कि A का D है, देखिए मैंने A B C D लिखा, ये A का D है, बीच में दो स्टॉप है, ठीक है। फिर B का E है, ठीक है, B का E कैसे है, बीच में दो स्टॉप है। फिर P का S है, ठीक है, फिर P में का है और P के बीच में दो स्पेस है, फिर S है। अब E फिर क्वेश्चन मार्क है, तो अब ई कहा है, ये एरा ई, ई के बाद दो स्पेस छोड़ो तो आता है एच, तो ये इसका आंसर हुआ एच, ठीक है, समझ गए। अब सेकंड है बी का वाई, मतलब देखो बी जो है सेकंड है और वाई मतलब सेकंड लास्ट है, ऐसे ही डी जो है वो थर्ड, डी फोर्थ है और डब्लू सेकंड लास्ट फोर्थ है, ठीक है। जैसे कि फिर एफ जो है वो फिफ्थ है, सॉरी सिक्स्थ है, और जो है वो क्या नाम है, एफ जैसे सिक्स्थ है और यू लास्ट सिक्स है, ऐसे ही एच जो है वो एच कौन सा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट्थ है, और आखिरी एट्थ कौन सा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट्थ एस, तो एच इक्वल्स टू एस, ठीक है। मैंने गलत टिक कर रखा है, सॉरी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट और ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ऐसी है, सॉरी, ठीक है, ये एस है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये एस सही है। थर्ड है एक्स का सी, मतलब देखो एक्स है दो लास्ट के दो छोड़ के लास्ट थर्ड है और सी जो है वो फर्स्ट थर्ड है, ठीक है। ऐसे ही बी जो है वो लास्ट लास्ट फोर्थ है और वैसे ही ई
एक सेकेंड, ठीक है, और आगे से ई फिफ्थ है और पीछे से वी फिफ्थ है, ठीक है, फिर जो है टी, टी कैसे है, टी टी जो है पीछे से फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन्थ है पीछे से, और वैसे ही जी जो है वो आगे से सेवन्थ है, फिर आर कैसे है ये देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, पीछे से नाइन और आगे से नाइन है, नाइन ये आई है, तो इसका आंसर हुआ आई। फोर्थ है जेड का एक्स, ये देखो जेड और बीच में छोड़ के एक्स, फिर वाई बीच में छोड़ के डब्लू, फिर डब्लू फिर एक्स में बीच में एक छोड़ के वी, फिर है डब्लू, तो डब्लू को एक बीच में छोड़ के यू, तो ये है इसका आंसर है यू। फिर है फिफ्थ है ए जेड वाई, जब स्टार्टिंग का ए फिर जेड वाई उल्टे से, फिर है बी एक्स वाई, ठीक है, ये जैसे कि वाई एक्स, सॉरी वाई एक्स, ठीक है, ये जैसे वाई एक्स, ये वाई एक्स हुआ और ऊपर का बी हुआ, फिर सी ये होगा, फिर ये सी, फिर एक्स डब्लू, ये एक्स डब्लू, फिर है डी और डी के साथ है, डी के साथ है, अब हमें ये जानने कि डी के साथ क्या है, जैसे सी के साथ एक्स डब्लू हुआ, एक्स डब्लू, तो डी के साथ होगा वी यू, ठीक है, वी के साथ होगा, वी के साथ होगा डब्लू वी, ठीक है, वी के साथ होगा डब्लू वी, और ये देखो, ठीक है, क्योंकि जेड वाई है फिर वाई एक्स है, ठीक है, वैसे ही ये जब हुआ ये, जैसे ही इसमें हुआ एक्स डब्लू, वैसे हुआ वो डब्लू वी। अब सिक्स्थ है ए बी जेड बी सी वाई, जैसे कि देखो ए बी जेड बी सी वाई सी डी एक्स, ठीक है, होगा सी डी एक्स, फिर डी क्या हुआ, डी ई डब्लू होगा, ठीक है, डी ई डब्लू, फिर सेवन्थ है ए बी जेड, सॉरी ये तो होगा, फिर एट्थ है ए बी सी पी, ये देखो पी कहाँ पे है इसमें, ये देखो ये पी को एक सर्कल कर लो, ठीक है, पी को सर्कल कर लो, ये पी को सर्कल कर लो, ये पी है, ठीक है, सॉरी गलती से ज़्यादा सर्कल होगा, ये पी है, और है फिर ये ए, ये है ए बी सी पी, ठीक है, ए बी सी पी, फिर है डी ई एफ क्यू, पी के क्या होता है, पी के बाद क्यू आता है, वैसे हुआ बी सी डी ई एफ क्यू, देखो ए बी सी पी डी ई एफ क्यू, फिर होगा जी एच आई आर, फिर होगा जे के एल एस, तो इसका आंसर हुआ, इसका ये देखो जे के एल एस हुआ, ठीक है, फिर नाइन्थ है ए बी पी क्यू सी डी आर एस ई एफ टी यू, देखो जैसे कि ए बी पी क्यू कैसे हुआ, ए बी, ठीक है, ए बी ये हुआ पी क्यू, फिर ठीक है ए बी पी क्यू होगा, फिर है सी डी आर एस, ए बी पी क्यू के बाद सी डी, ए पी क्यू के बाद हुआ आर एस, फिर होगा ई एफ, फिर होगा एस टी, देखो ई एफ ई एफ टी यू, कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ, कैसे हुआ ए बी पी क्यू, ठीक है, ए बी पी क्यू, फिर हुआ सी डी आर एस, सी डी आर एस, फिर हुआ ई एफ टी यू, सॉरी, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बताया था, अब ठीक है, सी ई एफ टी यू, फिर हुआ जी एच, अब टी यू के बाद आता है, टी यू के बाद आता है वी वी डब्लू, तो हुआ ये जी एच वी डब्लू। अब टेंथ है ओ पी क्यू ए, देखो ये हुआ ओ पी क्यू ए, ठीक है, ओ पी क्यू पे आर एस टी बी, देखो जैसे कि ओ पी क्यू ए, ओ पी क्यू ए, ओ पी क्यू ए, फिर हुआ आर एस टी,
फिर हुआ RSTB, फिर हुआ UVWC, फिर हुआ UVWC, फिर अब XYZ हुआ D, ठीक है, तो उसका आंसर हुआ D। अब है एनालॉगी नंबर्स, ठीक है, एनालॉगी नंबर्स के बाद हुआ एनालॉगी कोड, ठीक है, एनालॉगी नंबर्स क्या हुआ, अब हमने जैसे एनालॉगी लेटर्स किया, अब हम एनालॉगी नंबर्स करेंगे, जैसे 1, 2, 3, इसका उल्टा कर दो 3, 2, 1, 7, 6, 2, 2, 6, 7, 4, 3, 9, 9, 3, 4, और ये हुआ 6, 7, 2, 2, 7, 6, ठीक है। फिर सेकेंड है 2, 1, 3, 6, ठीक है, क्या हुआ अब ये देखिए, अब हुआ 7, 1, 5, 13, ठीक है, फिर हुआ 6, 1, 5, 12, 2, 1, 0, अब देखिए क्या हुआ इसमें, इसमें क्या हुआ 3, 5, 5, 0, एक सेकेंड, 6, 13, देखिए एक सेकेंड, 6 से है 3, 2, 6, 5, 7, 13, हाँ ये देखिए 3, 3, 2, 6, 5, 7, 13, फिर ये हुआ एक सेकेंड, फिर हुआ 5, 6, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए एक सही मेथड मुझे समझ में आ गया, मैं सोच रहा था, देखिए 2 + 1 + 3 = 6, 3, 1, 3, 1, 4, 4, 2, 6, फिर 7 + 1 + 5 = 13, 6 + 1 + 5 = 12, फिर 2 + 1 + 0 = 3, ठीक है, ईजी है ना, मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, अब मुझे आइडिया, मुझे इसका वो मिल गया। फिर थर्ड है 4, 1, 3, 4, 1, 5, 2, 1, 9, 2, 2, 1, 3, 3, 7, 3, 3, 9, आप समझ ही गए होगे क्या है, दोनों में दो दो का गैप है, अब 4, 9, 2 के बाद होगा 4, 9, 4, ठीक है। फिर फोर्थ है 7, 6, 3, 76, ये फर्स्ट दो लेटर्स, 4, 92, 49, 2, 93, 29, 7, 29, 72, क्योंकि इसके फर्स्ट दो लेटर है 72। फिर फिफ्थ है 4, 16, 7, 28, 5, 20, अब मैं आप समझ ही गए हो क्या है, क्योंकि 4, 4 = 16, 7, 4 = 28, 5, 4 = 20, 6, 4 = 24, ठीक है। सिक्स्थ है 309, 103, 369, अब मैं इसका मेथड आपको बताता हूँ, ये देखिए, ठीक है, अब इसका मेथड हुआ एक सेकेंड, ठीक है, ये देखिए जैसे कि 309, 103, अब इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें ये देखिए 9, 3, 3, देखिए जैसे देखिए 3, 9 जा, ये मल्टी 3, 3 जा 9, 3, 3 जा 9, 2, 3 जा 6, 3 जा 8, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3, जो जिससे मल्टीप्लाई करे तो उसका आंसर 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 आया, तो वो नंबर है 1, ठीक है। तो लास्ट में एक नंबर होना चाहिए 1, ठीक है, लास्ट में 1 होना चाहिए। सर अब एक और सिमिलरिटी हम देखेंगे कि ये है 3, फर्स्ट नंबर देखिए, ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर देखिए 3, 3, 9, आप फर्स्ट नंबर देखिए, आप देखिए जैसे कि ये है 1, 1, ठीक है, 1, 1, 3, 3, तो आंसर होगा 3 जिसकी स्टार्टिंग में हो और 1 जिसके एंड में हो, तो वह है 3, 2, 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, अब देखिए ये 1, 2, 3, 4 है, उसके लास्ट के डिजिट को उल्टा कर दीजिए, 4, 3, 2, 7, 2, 6, 9, 9, 6, 2, 4, 3, 7, 1, 1, 7, 3, फिर 4, 1, 3, 9, 9, 3, 1 हो इसका आंसर, ठीक है। फिर 8th है 1, 2, 0, 4, 2, 4, 0, 8, देखिए 1, 2, 0, 4, देखिए क्या हुआ कि 1, 2, 2, 4, 3, 6, ठीक है, सबका 2 होता है और 2, 2 = 4 होता है, तो एक पहली बात तो ये होगी इन तीनों में से कोई होगा क्योंकि 4 वाला नंबर है, ठीक है। फिर है 2, 1, 2, 2, 4, एक सेकेंड देखिए 2, 2 = 4, 1, 2 =, ठीक है, फिर 2, 4, 2 = फिर 0, 0, 0, 2 = 0, तो 4, 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर ये बचते हैं ए और बी, फिर जो है फिर देखिए 4, 8, ठीक है, 3, 6, 4, 2 = 8, 3, 2 = 6, 4, 2 = 8, 4, 2 = 8, ठीक है, तो लास्ट में उसके 8 होने चाहिए, तो इसके लास्ट में 6 है, तो ये हुआ आंसर 4, 0, 4, 8। फिर 9 है
10023006, जैसे कि 1 3 2 3 3 3 2 3 6। एक सेकेंड, तो ये मैंने सॉरी गलत किया है, ठीक है। 3 2 3 3 9 3 2 चाहिए, तो 6 होना चाहिए, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। फिर 0000000, ठीक है, 2 0 होने चाहिए जो इसमें है। तो वैसे तो यही है आंसर, फिर भी एक बना आपको बता दूँ कैसे करना है। एक सेकेंड, हाँ देखिए, 2 3 जा, ठीक है, 3 3 जा 9, 1 3 जा 2 3 जा 6, ठीक है। अब जो है 10th है, 3 0 0 6 1 0 0 2। अब इसको हम कैसे करेंगे, 3 1 3 जा 2 3 जा 3 3 जा, ठीक है। तो ऐसे नंबर होना चाहिए जो जिसको हम जो है क्या नाम है मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, तो वो है 1, ठीक है। 1 होना चाहिए उसके क्या नाम है स्टार्टिंग में, ठीक है, ठीक है। फिर है 0 0 होना चाहिए, ठीक है। तो या तो ये दोनों में से ही कोई, ये तीनों में से कोई होगा, ठीक है। फिर 3 2 3 जा 3 3 जा 2 3 जा, अब एक नंबर हो जाएगा, फिर से 3 हो, तो लास्ट में भी 1 होना चाहिए और बीच में 2 0 होने चाहिए, तो है 1 0 0 1, ठीक है इसका आंसर। अब आखिरी है, आखिरी पेज है एनालॉगी कोड्स, ठीक है। एनालॉगी कोड्स, कोड मतलब नंबर और अल्फाबेट मिक्स, ठीक है। अब ये देखिए, A99 B98, C31 F90। अब देखिए, जैसे A B C D E F, ठीक है, G H, अब P Q, तो पहली बात तो क्यों होना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। फिर 99 98 32 31 90 89 82 81 होना चाहिए, तो सॉरी मैंने गलत कर रखा है, ठीक है। ये तो इसका आंसर है ये, ठीक है। फिर है A A Z Z, देखिए A A Z Z, B B Y Y C C X X D D W W, तो देखिए A A लास्ट के, फिर B B सेकेंड है, लास्ट सेकेंड, फिर C C थर्ड है, लास्ट थर्ड, और D D फोर्थ है, लास्ट फोर्थ है, 1 2 3 4, तो ये है W, ये तो W होना चाहिए। फिर ये 2 3 5 6, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा है, फिर 2 3 4 5, तो ये W W 5 है। फिर है थर्ड है A12 B24, A B C D E F Q, क्यू है पहले उसके बाद, ये क्यू है, इन दोनों में से कोई होगा। फिर है 12 24, ये डबल है सबका, ठीक है, 11 का डबल 22, तो ये आंसर है Q 22। फिर है P 32 23 Q, ये इसको उल्टा कर दो, P 32 23 Q, नेक्स्ट वाला M N O P Q, फिर L 73 37 M, ठीक है। फिर ऐसे करते करते ये हुआ 27, तो होना चाहिए, तो या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। फिर जो है, तो अब है क्या नाम है, एक सेकेंड, U होता है, U आता है, तो ये हुआ 27 U वाला, T के बाद U आता है, तो ये हुआ। फिफ्थ है U U V V T T U U, देखिए जैसे कि U के बाद V आता है, ठीक है, T के बाद U आता है, ठीक है। फिर X के बाद Y आता है, फिर Q के बाद क्या आता है, R आता है, तो ये R में से कोई होगा, इन तीनों में से है। फिर ये क्या है, ये इनके आधे हैं, ठीक है, 28 का आधा 14, तो ये हुआ आधार 14। सिक्स्थ है A4B B4C, ठीक है, A4B A B, ठीक है, A B तो हो ही गया, फिर 4B 4C, ठीक है। फिर P9Q Q9R, ठीक है, P के बाद आता है, P से पहले, एक सेकेंड, और क्या नाम है, Q के बाद आता है R, तो देखिए A B B C, P N P Q Q R, फिर L M M N X Y Y, स्टार्टिंग में Y होना चाहिए उसके, Y, फिर Y के बाद आता है Z, तो YZ होना चाहिए, तो ऑब्वियसली यही है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, ये नंबर सेम होते हैं, तो 3 3, ठीक है। अब सेवेंथ है
ए बी 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 सी सी डी डी ई ई ई होने वाला चाहिए और ई वाला वैसे ही है वैसे, ठीक है। फिर है एट है 1 2 3 ए बी, फिर 3 2 1 बी ए, उल्टा कर दो बिल्कुल। 7 2 6 पी क्यू, 6 2 7 क्यू पी, ठीक है। फिर 7 5 3 एल एम, 3 5 7 एम एल, फिर 6 2 9 वाई क्यू वाई एक्स सॉरी। फिर है 9 पी क्यू, 0 0 1 अब हंड, ठीक है। फिर 1 0 0 आर एस ए बी, इसको बस उल्टा कर दो 1 1 0 2, ठीक है। फिर पी क्यू आर एस ए बी सी डी एल एम एन ओ सी डी ई एफ, तो एक तो लास्ट में ई एफ होना चाहिए, तो या तो इन दोनों में से कोई होगा। फिर 201 का 102, तो 102 ई एफ, ये है आंसर। फिर है आखिरी है पी वन क्यू टू आर वन एस टू, मतलब पी क्यू आर एस ए बी सी डी एल एम एन ओ पी, फिर टी यू, मैं आपको दिखा देता हूँ, टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। सो वी डब्ल्यू तो होना ही चाहिए। फिर जैसे कि इसमें है पैटर्न है 1 1 3 3, तब सेम नंबर होना चाहिए, तो होना चाहिए आंसर V6W7 और यही आंसर, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया, तो नेक्स्ट चैप्टर सीरीज है एप्टीट्यूड का। मैं ये कंटेंट्स और एनालॉग चैप्टर की फोटोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, और वीडियो को शेयर तो अपने फ्रेंड्स के साथ कर ही दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।